नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना शुक्ला। मेरे आसान नीटिंग चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जो यह एक पार्ट तैयार कर ली हूं बेबी स्वेटर का, और दूसरे पार्ट में सबसे पहले हम इसका एक पार्ट डाले हुए हैं। यहां से 101 फंदा डाले हैं। 101 फंदा डाल करके इस तरह से दो चोटी तैयार किए हैं। तीसरे चोटी में यहाँ पे हम 25 फंदा रखे हैं और इधर भी 25 फंदा रखे हैं। बाकी 51 फंदा को हम बाजू बना रहे हैं। तो जब हमारा इतना लाइन हो गया, उसके बाद से हम सिर्फ 51 फंदा को ही बुनाई किए हैं। यहाँ से इधर का नहीं बुनाई किए और इधर का नहीं बुनाई किए, दोनों सिलाई पे है। बीच का 51 फंदा हम बुनाई करते हुए बाजू तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे अब। और ये जो है 25 फंदा और इस सिलाई पे 25 फंदा, दोनों को हम इस तरह से पकड़ लेंगे और ज्वाइंट कर देंगे। हम इसको उतार के भी ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन हमको देखने में प्रॉब्लम है, इसलिए हम सिलाई से ही ज्वाइंट करना अच्छा लगता है। हमको एक फंदा इस पे के उतारना है और एक फंदा इस पे का, दोनों सिलाई पे से एक एक फंदा हमको इस तरह से उतार लेना है। फंदा उतारते हुए यहाँ तक हमको उतारना है। सारे फंदा हम यहाँ तक उतार लिए दोनों सिलाई से। अब हमको तीन फंदा में सिलाई डाले, तीन का एक कर दिए, तीन फंदा सिलाई से उतारेंगे, फिर इस पे चढ़ाएंगे, फिर तीन फंदा में सिलाई डालेंगे, तीन का एक करेंगे। इसी तरह से सारे फंदा को हम यहाँ तक उतार देंगे। इसी तरह से हम सारे फंदा को उतार लेंगे, तो यहाँ पे हमको सिलाई नहीं करना पड़ेगा। लास्ट का फंदा है तो इसको हम इस तरह से लगा के इस तरह से बांध दिए। यहाँ सिलाई भी कर सकते हैं, अगर जब हम उतारे रहते फंदा पहले तो हम सिलाई कर देते। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 51 फंदा है तो हम 8 सिलाई 9 सिलाई बुनाई करने के बाद एक फंदा इधर और एक ही फंदा इधर इस तरह से घटाते हुए यहाँ हम 40 फंदा करेंगे। उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ तक पहले हम 4 लाइन बुनाई किए, फिर 3 लाइन पीला, फिर एक छोटी बनाए, फिर 3 लाइन ये बनाए लाल से, फिर 3 लाइन पीला, फिर 3 लाइन लाल, फिर एक छोटी बनाए, फिर 3 लाइन लाल, 3 लाइन पीला और 3 लाइन लाल बना के हम उतार दिए हैं 25 फंदा। और यहाँ से छोटी बनाए हैं तो बाजू के लिए भी हम छोटी बनाए, फिर 3 लाइन लाल, 3 लाइन पीला, 3 लाइन लाल, फिर छोटी बनाए, फिर 3 लाइन लाल, 3 लाइन पीला, 3 लाइन लाल और एक छोटी बनाए, फिर
फिर तीन लाइन लाल और तीन लाइन पीला, उसके बाद से तीन लाइन लाल बनाएंगे। अब एक चोटी बनाएंगे, लाल से हम तीसरा लाइन बुनाई करेंगे, एक फंदा बुनाई की दो फंदा बुनाई कर लिए और दो फंदा में लगाकर दो का एक कर देंगे। इस तरह से हम इधर घटाएं और एक इस साइड में घटाएंगे तो मेरा 40 फंदा बचेगा। उस चोटी बनाने के बाद हम बॉर्डर बनाएंगे, यहाँ पे हम एक फंदा घटाए हैं, फिर इधर पूरे सिलाई को उल्टा बुनाई किए और यहाँ पर भी हम एक दो फंदा में लगाए, दो का एक कर दिए, दो फंदा हमारा बचा हुआ है। इसी तरह से हम 40 फंदा बचा तो अब हम बॉर्डर बनाएंगे। पहले एक चोटी बना लेंगे फिर बॉर्डर बनाएंगे। चोटी बनाने के लिए हम पीछे की तरफ से एक फंदा पीला बुनाई किए, धागा ऊपर, फिर पीला से बुनाई किए, फिर लाल से धागा ऊपर, फिर पीला से बुनाई करेंगे। सीधा बुनाई कर रहे हैं, धागा ऊपर, फिर लाल से बुनाई करेंगे। लास्ट तक हम इसी तरह बुनाई करेंगे। पीछे की तरफ से हम सीधा बुनाई कर रहे हैं और आगे की तरफ से हम जब बुनाई करेंगे तो उल्टा बुनाई करेंगे। जिस कलर से हमारा जो सिलाई जो फंदा बुनाई हुआ उसी कलर से हम बुनाई करेंगे। आगे पीछे की तरफ से सीधा बुने थे, आगे की तरफ से तरह उल्टा बुनेंगे। धागा आगे किए, धागा ऊपर, इसी तरह से सारे सिलाई को बुनाई कर लेंगे, सारे फंदा। आगे के तरफ से हम सारे सिलाई को बुनाई कर दिए, सारे फंदा बुनाई किए और अब पीछे से हम बॉर्डर बनाएंगे। मेरा 40 फंदा है, पहले हम 51 फंदा लिए थे बाजू के लिए, बॉर्डर के लिए 40 फंदा हुआ। एक दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए 40 फंदा, तो हम उल्टा ही बुनाई करेंगे। एक फंदा बुनाई किए, एक फंदा को हम इसी तरह सिलाई पर उतारेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, फिर सिलाई से उतारें, फंदा उल्टा बुनाई किए, सिलाई से उतारे, उल्टा बुनाई किए। इसी तरह से हम बॉर्डर स्टार्ट किए। एक फंदा हम उतारे और एक लास्ट का फंदा, तो इसको हम बुनाई किए पीछे की तरफ से। आगे की तरफ से जो पीछे बुनाई किए थे फंदा, उसको हम इस तरह उतार लेंगे, उसके बगल वाला को बुनाई करेंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम इसका बॉर्डर तैयार कर लेंगे। एक फंदा उतारे, एक फंदा उल्टा बुनाई किए, एक फंदा उतार लिए, फिर एक फंदा उल्टा बुनाई किए। इस तरह से हम बॉर्डर तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसका बॉर्डर बुनाई करेंगे और यहाँ पे हम 40 फंदा के बॉर्डर बनाएंगे। इतना बॉर्डर बना लेंगे, दो आंगूठ के अंदाज से बॉर्डर बनाएंगे और बीच में दो पाला हुआ, एक इधर का एक इधर का। तो 25 फंदा हम यहाँ पे रखे थे,
उसी तरह से इसको हम अंजाद से पकौड़ करके यहाँ से लेके यहाँ जो 25 फंदा है इसके अंजाद में यहाँ सिलाई कर देंगे और पीछे का पार्ट भी हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देंगे। उसके बाद से ये जो हमारा है गला के लिए बच जाएगा और नीचे हम एक स्कर्ट जैसा बनाए हैं उसको इस तरह से लगा के इसमें हम इस तरह का 12 कली तैयार करेंगे। दोनों तरफ से इस तरह सिलाई कर देंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको कली बनाना बताएंगे और इसका सिलाई करना बताएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए।